नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट, सुबह सुबह आपको बता दें काबुल एयरपोर्ट पर भारी मिसाइलबाजी हुई। आपको बता दें कई रॉकेट दागे गए हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही। दरअसल ये रॉकेट अमेरिका ने नहीं बल्कि आतंकियों ने दागे हैं। बड़ी खबर, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था, उसको तबाह करने की थी पूरी तैयारी, लेकिन अमेरिका ने हवा में ही ढेर कर दिया है अमेरिकी मिसाइलों को। जी हाँ, दरअसल काबुल में 31 अगस्त तक कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, यही कारण है कि लगातार आतंकी अमेरिकियों को उकसाने वाली हरकत कर रहे हैं, अमेरिकी सेनाओं को निशाना बना रहे हैं, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, हवा में ही ढेर कर दिया है। जी हां, ये आपको बता दें अमेरिका की पेंटागन रॉयटर्स की रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें कहा गया है कि आतंकियों ने अब काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेनाओं और अमेरिकी हथियारों और अमेरिकी मशीन सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका सहित कई देशों अपने नागरिकों को सैनिकों को निकाल ले जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में किए हैं, तो वहीं लगातार धमाके हो रहे हैं। इस बीच देश की स्थिति काफी गंभीर है। राजधानी काबुल में रविवार को बड़ा धमाका हुआ है, वहीं अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट के ऊपर पश्चिमी में रॉकेट से हमला किया था। यह कल शाम की बात थी और एक आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाने का दावा किया था और उसे उड़ा दिया था। अमेरिका अपने सैनिकों को अफगानिस्तान में 31 अगस्त तक निकालने की तैयारी है, लेकिन इस बीच आज धमाके की गूंज से गूंज गया पूरा का पूरा इलाका। आज दरअसल हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित एक इलाके में रॉकेट आकर गिरे और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान में वापसी हो रही है। चश्मदीदों ने रॉकेट हमले की जानकारी दी। रॉकेट सोमवार सुबह काबुल के सलीम कारवां इलाके में आकर गिरे। विस्फोट के तुरंत बाद गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट नहीं हो पाया कि गोलीबारी कौन कर रहा था। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया कि सोमवार काबुल एयरपोर्ट पर कम से कम 5 रॉकेट दागे गए थे। जी हां, 5 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम द्वारा उन्हें रोक दिया गया। रविवार को अमेरिका ने राजधानी के एक विस्फोट से लगे वाहन को ड्रोन से उड़ाया था। इसके एक दिन बाद यह हमला हुआ। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि काबुल के समय के मुताबिक ये रॉकेट हमले सोमवार लड़ते हुए, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या सभी रॉकेट्स को गिरा दिया गया है। ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिकी काबुल से अपने सैनिकों को पूरी तरीके से बाहर निकालने के करीब है, यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका एक तरफ अफगानिस्तान यानी काबुल को पूरा छोड़ रहा है, लेकिन आतंकी उनको उकसाने वाली हरकत कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कई जवानों के भी मारे जाने की खबर निकल के आ रही है, फायरिंग जो हो रही है लगातार उसमें मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान सीमा पर भी फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि जो मिसाइल अटैक हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो मिसाइल अटैक हुआ है ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये दिखा रहा है कि आतंकी जो है वो अमेरिकी सेना जो है आतंकियों के निशाने पर है, और यही कारण है कि अमेरिका अब आर पार की तैयारी में कर चुका है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के, हालांकि आपको बता दें कि कल शाम को अमेरिका ने भी मिसाइल अटैक किया था, जिनमें उस खास करके सुसाइड बॉम्बर को निशाना बनाया था, जिसके पास भारी भरकम हथियार थे और वो अपने आप में बम बांध कर आया था, तो उसको निशाना बनाया गया, उसको तबाह कर दिया गया। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आई ये है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आतंकियों ने मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया है। हालांकि आपको बता दें अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकामयाब कर दिया है, और यही कारण है कि अब जो है वो तालिबानियों पर ही उल्टा भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर एक और ले लेते हैं, जहां पर आपको बता दें तालिबान की सरकार में शामिल हो सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी। जी हां, वापस लौट रहे हैं अफगानिस्तान के सूत्रों से बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद देश छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं। सूत्र के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई है, वो तालिबान की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को वाले दिन काबुल में प्रवेश कर देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसके बाद अफगानिस्तान की सरकार गिर गई और वरिष्ठ अधिकारी शांति से सत्ता स्थानांतरण के लिए जारी हो गए थे। इसी दिन खबर आई थी कि अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है और वो निजी विमान से पहले तजाकिस्तान चले गए। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी हम कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं एक तरीके से तालिबान के सत्ता को लेकर वो फिर से रिटर्न होते दिखाई दे रहे हैं और वो वापस आते भी दिखाई दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि अब क्या तालिबान और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के बीच कुछ डील हुई है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका की ओर अमेरिकी सैनिकों पर बहुत बड़े मिसाइल अटैक हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और हालांकि आपको बता दें कि पूरी तरीके से इसे तबाह भी कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है पूरी तरीके से चौकन्ना है। अब एक और बड़ी खबर ले लेते हैं दोस्तों, जो बिग ब्रेकिंग अपडेट न्यूज़ निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में
दुनिया में सबसे बड़े शरणार्थी के रूप में संकट बढ़ रहा है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़े शरणार्थी संकट के रूप में बढ़ा अफगानिस्तान। दरअसल 6 साल पहले देश की मीडिया में एक तस्वीर ने खलबली मचा दी थी। 3 साल के एक बच्चे अलालान कुर्दी की वो तस्वीरें रातों रात पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी, जिसमें अलालान कुर्दी का शव मुँह के बल रखा गया था। लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं दोस्तों कि दुनिया भर में जो शरणार्थी हैं वो दुनिया भर में घूम घूम कर जा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अफगान के जो ये शरणार्थी हैं पूरी दुनिया में जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। या हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद जो काबुल पे कब्जा हुआ है उसके बाद से सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। हालांकि एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, इसमें बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान के खिलाफ अमेरिका उठा सकता है बड़ा कदम, पंजशीर सुरक्षित क्षेत्र के रूप में है। जी हाँ, दरअसल सबसे सुरक्षित रूप में मिलेगी मान्यता, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट के सामने बम धमाके के बाद आज अमेरिका में पंजशीर को एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की मांग तेज उठी है। अमेरिकी सीनेटरों की ओर से ये मांग उठी है कि जब तालिबान और पंजशीर लड़ाकों के बीच लड़ाई तेज हो गई है, तो अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष को दे केंद्र होंगे। दूसरा, पंजशीर लड़ाकों को यदि अमेरिका का समर्थन हासिल हो जाता है तो तालिबान को एक बड़ी चुनौती मिलेगी। पंजशीर की मान्यता में क्या होंगे निहितार्थ तालिबान के समक्ष भी ये बड़ी चुनौती है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक अब जो है वो अमेरिका जो है वो तालिबान पंजशीर के शेरों को भी समर्थन के लिए मूड बना रहा है। हालांकि हमने आपको बताया कि कल ही कैसे रसिया ने ये अलर्ट जारी किया था कि पंजशीर में तालिबान बड़ा हमला कर सकता है, और पंजशीर के इंटरनेट को बंद कर दिया गया। उसको बताया जा रहा है कि तालिबानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान 3 तरफ से घेरने के बाद इंटरनेट, सब्जी, खाने पीने सब कुछ बंद कर रहा है। हालांकि अभी भी पूरी तैयार पंजशीर के शेरों ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि हम एक कदम न झुकेंगे न रुकेंगे, हम पूरी तरीके से आर पार के मोड में हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और कह दिया है कि फिलहाल अब आर पार की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल ये चीज़ें उन्होंने कही है और कहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, पंजशीर के शेरों का समर्थन करना चाहिए या फिर नहीं। और जो रॉकेट हमला हुआ है अभी अभी की हाल ही की बात करें तो उसमें 1-2 सैनिक के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि अमेरिका ने उस पूरे के पूरे अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरीके से अमेरिका उस मिसाइल का अटैक, मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया है। तो यूं हम कह सकते हैं कि अब जो है टकराहट बढ़ गई है और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक उसका एक भी नागरिक या फौजी काबुल में रहेगा तब तक वो अपनी सेना को पूरी तरीके से वहां से नहीं निकालेगा। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि काबुल पर रॉकेट को ISD का खुराशन गुट अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले को जिम्मेदारी इसी गुट ने ली थी। इस तरीके से हमलों को अमेरिका ने इराक में भी झेला है। इसी वजह से अमेरिका ने ये अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है और जो उनकी तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल या रॉकेट की जानकारी हमले से पहले ही दे देता है। इसके बाद ही वही सिस्टम में इसके जवाब में मिसाइल दाग देता है। अमेरिकी सेना को सेंट्रल कमांड के जनरल फ्रैंक मैकेजी का कहना है कि वो इस तरीके के हमलों से पूरी तरह से वाकिफ हैं और उनके पास इससे बचने का उपाय है और उनकी सबसे बड़ी चिंता सुसाइड बॉम्बर और कार बॉम्ब को लेकर है। तो ये बड़ी खबर।